एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनी का जहां। तो गाइस, आज मुहर्रम डे टू है, मतलब डे टू है लेकिन व्लॉग थ्री है। ओके, क्योंकि चांद रात पे फर्स्ट व्लॉग आया था, फिर फर्स्ट डे पे सेकंड व्लॉग और आज थर्ड व्लॉग है। तो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ से कुछ वेजीज वगैरह लेकर आएंगे और फिर हम बनाते हैं लंगर। आज हमने चावल बनाने का सोचा है, तो अभी हम चावल बनाते हैं, मतलब मैगी मसाले के चावल, तो हम वो बनाते हैं और फिर वो हम बाहर बच्चों को बांटेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, देखते हैं कि आज के ब्लॉग में क्या कुछ होता है, कैसा क्या रहता है। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, और पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और गाइस, मेरे वीडियोज़ पर सुपर थैंक्स और वो सब भी चालू हो गए हैं, तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके, जो लोग चाहें तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ पोस्ट वगैरह अलग से रहेंगे और वीडियोस भी उनके लिए पहले आएंगी, बाद में बाकी सब लोगों को पता लगेगा, मतलब वीडियोस की नोटिफिकेशन बाकी लोगों तक बाद में जाएगी, लेकिन जो मेरे मेंबर्स होंगे उनके लिए पहले जाएगी मेरी वीडियो। तो ज्वाइन माई चैनल, और चलिए अभी चलते हैं आगे, हम जो भी करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए, तो हम सब्जी ले लेते हैं, सब्जी ले लेते हैं, हरी मिर्ची ले लेते हैं। कहाँ से ले लो? हाँ, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं, हमें बनाना है लंगर। तो देखते हैं आज क्या बनाते हैं, छोटा सा आलू मटर के पुलाव का, तो देखते हैं सोचते हैं। चावल दिख रहा है, मतलब चावल नहीं, चावल नहीं, अभी सिर्फ मसाला दिख रहा है मम्मी से। चावल यहाँ तक पहुँचे, अभी हमने इसमें सब डाल दिया, टमाटर, हरी मिर्च, मटर, आलू वालू सब सब डल गया है। और अभी ना चावल भी यहाँ रखे हैं धुले धुलाए, तो ये चावल भी डल जाएंगे और फिर ये इतना दिख तो इतना यम्मी सा रहा है ना, अभी खा के पता चलेगा यम्मी है कि नहीं, लेकिन उसके पहले खाता होगी। और आज ना मैंने पूरे दिन से खाना नहीं खाया है, तो मैं तो खाऊंगी इसको। मैंने खाना नहीं खाया, लंगर खाऊंगी। और अभी डालने वाले हैं चावल। चाह कहीं से जाता तुम्हारा दिल चाह
उधर से उधर से वो देगी उधर उधर से आगे से आओ आगे से आई है एक मुझे दिए मैं उसको दी इधर से आगे से आना पीछे मुंह करके देगी क्या उधर से ले उधर से उधर से ले उधर से इसको हट जान दे इसको हट जान दे इधर से कैसे देगी ये बता पीठ के पीछे से आते क्या उसके हाथ तो आगे है ना उधर उधर से नहीं लेती बेटा आगे से बिन्नी अपी दे रही मैंने दे इसको दे दो ना आयशा को आप कहाँ बना रही हैं मैं यही बना रही हूँ बच्चों आंटी इसको दे दो ना आंटी पीछे आंटी आंटी अब दे दो इसको भी दे दीजिए उधर से दे रही है ना वो मैं सबको कैसे दिलवाऊँ मैं तो बात ही नहीं कर मैं कैसे दिलवा दूँ वो बांट रही है मैं थोड़ी तो मैं थोड़ी बांट रही हूँ तुम आगे से भी है ये सब चलो चलो ले लिया ना अब हटो तो यहाँ से औरों को ले लो तो हटो उधर चलो नदी है देख दो ना ले चल तूने बुलाया था जाके ले अभी तक ले ही लेती मुझसे आगे खड़ी रह गई कैसे ले कलवाई लड़की है वो फिर ले गई उसको दे दे बेटा सबको लाइट लड़की को मजलिस का इंतजार करते करते ना भाई 10 बज गए 10 मतलब अभी तक हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं अभी तक मजलिस स्टार्ट ही नहीं हुई फिर ये लोग आएंगे और बस 15-20 मिनट पढ़ के और चले जाएंगे इस बार पता नहीं कैसी मजलिस कर रहे हैं हर बार इतनी अच्छी अच्छी होती थी मैंने मतलब आधा आधा एक एक घंटे की वीडियोस तक बनाई है पिछली साल मजलिस की लेकिन इस बार ये लोग ज़्यादा अच्छी मजलिस पढ़ी नहीं रहे ऐसी पढ़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी कल भी ऐसी ज़रा सी पढ़ी और आज भी ऐसे ही और कल भी मस्जिद में पढ़ी थी और शायद आज भी मस्जिद में ही पढ़ेंगे और पता नहीं क्या ही होने वाला है गाइस ये देखिए ये ना इतने सारे पिंपल्स हो गए हैं इतने सारे पता नहीं क्या हो गया ये हो रहा है और एक तो ये यहाँ पे बिंदी लग गई बहुत हो रहा है गाइज अगर कोई होम रेमेडी है तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए मुझे कमेंट्स करके बताइए इन पिंपल्स के लिए कोई होम रेमेडी हो तो मैं ज़रूर ट्राई करके देखूँगी वैसे एक ने मुझे बताई थी वो फिट के ही बताई थी तो वो तो मैंने अभी तक नहीं लगाई है बहुत टाइम पहले बताई थी एक बार मैंने लगाई भी थी लेकिन एक बार के लगाने से कुछ होता नहीं है और मेरे पापा ने जायफल बोला था जायफल घिस के लगाने को मैंने वो भी लगाया था लेकिन उससे भी मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था तो अगर आप में से किसी के हो रहे हैं तो आप ट्राई करके देख लेना जायफल से कहीं आप लोगों के सही हो जाए मेरे तो नहीं हुए थे और मुझे ज़रूर आप लोग बताइए कोई होम रेमेडी जिससे मैं ट्राई करूँ और मेरे पिंपल सही हो जाए तो गाइज अभी देखते हैं वेट करते हैं मजलिस का थोड़ी देर और देखते हैं मजलिस होती है तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नहीं होती तो कुछ नहीं
अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से देखना पड़ रही है, मुझे अंदर से सुनना पड़ रहा है, सुन नहीं पा रहे हैं, दिख तो कुछ रहा नहीं है। हाँ एक ऐसी घड़ी थी सफर की, हाँ एक ऐसी घड़ी थी सफर की, जो बुझी शम है जहरा के घर का, या नबी सलाम अलैका।